नमस्ते। कहते हैं कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तो उनके बहुत सारे ऐसे बयान थे तेल को लेकर के कि तेल की कीमत बढ़ रही है, बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के थी, आज उनके ऊपर बनाई है। इस क्लास में हम समझेंगे कि तेल की कीमत कैसे बढ़ती है, कैसे डिसाइड होती है। उसके बाद आपको ये समझाऊंगा कि GST के दायरे में अगर तेल को लाया जाता है तो तेल की कीमत कितनी घटेगी। इससे पहले आपके लिए एक सूचना, शनिवार को आपका एक टेस्ट होगा जो हमारे वेबसाइट पर आपको देना होगा। वो टेस्ट किसी भी टाइम पर शनिवार को हो सकता है। वेबसाइट है thenewsocean.in, वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर का PDF मिलेगा जो आप देखेंगे और उसके बाद में उसका उत्तर लिखेंगे और मेल कर देंगे। उसके बाद में आपको मेल से ही जवाब मिल जाएगा। तो टेस्ट की तैयारी कर लीजिए, जो भी आपने पढ़ा है उसी में से सवाल आएगा। शनिवार को आपका टेस्ट है। चलिए बात करते हैं ऑयल प्राइस की, कैसे तेल की कीमत डिसाइड होती है और क्या ऐसा हुआ कि तेल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई। लोग हर तरफ तेल को लेकर के परेशान हो गए हैं। आपके घर में भी ये बात होने लगी है कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है तो ना जाए या क्या करें कि तेल की कीमत घट जाए। आप अगर यात्रा करते होंगे तो बस के किराए बढ़ गए होंगे, टैक्सी के किराए बढ़ गए होंगे क्योंकि तेल की कीमत बढ़ गई है। तो पहले समझते हैं कि तेल की कीमत डिसाइड कैसे होती है, अपने आप चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, तेल की कीमत को डिसाइड करने में 3 फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहला है क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, दूसरा है रिफाइनरी जहाँ पर वो कच्चा तेल रिफाइन होकर के डीजल, पेट्रोल और केरोसिन ऑयल में बनता है, और तीसरा है रिटेलर जिसे आप पेट्रोल पंप कहते हैं जहाँ पर जाकर के आप तेल खरीदते हैं। तो अब ये समझते हैं कि आप तक पहुँचने से पहले उस पर क्या क्या बीतती है कि उसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल कच्चा तेल। कच्चा तेल वो तेल होता है जो ज़मीन से सीधे निकाल लिया जाता है। कहाँ निकलता है? खाड़ी देशों में, सऊदी अरेबिया में, ईरान में, इराक में, यहाँ पर तेल के बहुत सारे भंडार हैं। हालांकि आपके भारत में भी तेल के भंडार हैं। कहाँ पर हैं ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। रशिया में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द नेशन है जो तेल निकालते हैं उनमें खाड़ी देश नंबर वन है। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक नंबर वन पे आते हैं। यहाँ पर तेल बहुत ज़्यादा है, कच्चे तेल, तो वहाँ से तेल निकलता है। उसके बाद में ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ होती हैं जिन्हें OMC कहा जाता है, ये तेल को वहाँ से खरीदती हैं। खरीदने के बाद में रिफाइनरी में जाता है जहाँ पर वो अलग अलग हो जाता है। पेट्रोलियम अलग हो जाता है, डीजल अलग हो जाता है और केरोसिन ऑयल अलग हो जाता है। उसके बाद में फिर वो जाता है रिटेलर के पास और फिर रिटेलर आपको बेचता है। अब प्राइस का देखते हैं कि प्राइस कैसे ऊपर नीचे जाता है। मान लीजिए कि क्रूड ऑयल यहाँ पर यानी कि ईरान में बन रहा है, यानी कि ईरान से निकल रहा है क्रूड ऑयल, तो इंडिया आएगा। ये आप इंडिया समझ लीजिए कि ये इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया जब आएगा तो यहाँ इसके बीच में होगा क्या, वो वहाँ से चलेगा और इंडिया पहुँचेगा, तो दो चीज़ जुड़ेगा। सबसे पहले तेल की कीमत कितनी होगी, ठीक है ना, तेल की कीमत, और उसके बाद में जो भाड़ा लगेगा, कौन सा भाड़ा, जब वो चल करके जा रहा है ईरान से इंडिया, ठीक है, वो भाड़ा लगेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चार्ज लगते हैं, जब वो पोर्ट पर पहुंचता है तो इंश्योरेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस चार्ज लगता है, उसके बाद में पोर्ट पर रखने का किराया लगता है, और उसके बाद में भारत सरकार उस पर लगाती है कस्टम ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी? कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी वहाँ पर लग गया, उसके बाद में ये पहुँच गया कहाँ, रिफाइनरी में। अब जब रिफाइनरी में बन रहा होता है तेल, जब वहाँ से निकलता है तो उस पर केंद्र सरकार लगाती है एक्साइज ड्यूटी। क्या लगाती है? एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी किस प्रकार का टैक्स है ये लिख करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि क्लास में मैंने पढ़ाया है ये डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी लग जाता है। उसके बाद में जब वहाँ से निकलता है फिर रिटेलर के पास जाने के लिए कई सारे खर्चे होते हैं। पहली बात तो ये कि ट्रांसपोर्टेशन कितना दूर है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में बन रहा है, तो दिल्ली से अगर लखनऊ लाया जाएगा तो उसके बीच का जो रास्ता है उसको तय करने में खर्चा लगेगा, और खर्चा लगेगा तो जुड़ेगा किसमें? उसी तेल के प्राइस में जुड़ेगा। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि तेल के डिफरेंट डिफरेंट प्राइस होते हैं अलग अलग जगह पर। दिल्ली में आपको अलग प्राइस मिलेगा, लखनऊ में अलग प्राइस मिलेगा, आप किसी लोकल एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पर और महंगा प्राइस मिलेगा, क्योंकि उसमें जो यात्रा का कॉस्ट होता है वो भी जुड़ जाता है। इसके अलावा जो रिटेलर बेच रहा है वो भी प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहा है, तो उसको भी कमीशन मिलता है उससे, तो उसका कमीशन भी ऐड होता है। और उसके बाद में सरकारें टैक्स लगाती हैं। कौन सी सरकारें? स्टेट सरकार। स्टेट सरकार मतलब जैसे आपका UP है, दिल्ली है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, ये स्टेट सरकार भी इस पर टैक्स लगाती हैं। और कौन सा टैक्स लगाती हैं? बैट लगाती हैं।
इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पर कितने टैक्स लग जाते हैं। जैसे ही पेट्रोल इंडिया में पहुंचता है उस पर कस्टम ड्यूटी, जैसे ही रिफाइनरी से बाहर निकलता है उस पर एक्साइज ड्यूटी, और बीच के खर्चे अगर आप देख सकते हैं कि उसके बनने में जो खर्चे आ रहे हैं, यानी कि उसके प्रोडक्शन में जो खर्चे आ रहे हैं, उसके अलावा जब स्टेट में बिकने के लिए पहुंचता है तो वहां पर वैट लग जाता है, तो बहुत सारे टैक्स लग जाते हैं। एक आंकड़ा अगर मान करके चलें तो कम से कम 37 से 38 रुपये वर्तमान में टैक्स इजिली लग जा रहे हैं, और ये बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं है। सरकारें कभी भी अपना टैक्स नहीं घटाती हैं क्योंकि वही उनका मुख्य रेवेन्यू होता है। अब बात करते हैं ये कि क्रूड ऑयल की कीमत अगर घटती है और बढ़ती है तो इसका असर तेल पर क्यों नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं पड़ेगा। आपने टाइम पर देखा होगा कि क्रूड ऑयल की कीमत $25 प्रति बैरल के आसपास आ गई थी, ठीक है। एक बैरल में 159 लीटर होता है, ठीक है। कितना 159 लीटर होता है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लेंगे। तो होता ये है कि क्रूड ऑयल की कीमत जब घटती है तो सरकारें अपना बैट और टैक्स बढ़ा लेती हैं, उस वक्त उनके पास कमाने का अच्छा मौका होता है। और लोकल आदमी को क्या पता होता है कि कितना क्रूड ऑयल दाम घट गया, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। जो लोग रेगुलर पेपर पढ़ते हैं उनको किस तरीके से पता चल जाता है, हालांकि अब सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चीज़ें बाहर आ ही जाती हैं, फिर भी वो एक मास मैसेज नहीं बन पाता है कि सबको पता चले कि क्रूड ऑयल का दाम घट रहा है तो सरकार तेल की कीमत को क्यों नहीं घटा रही है। तो उस बीच में वो खेल लेती है और खूब सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। जब क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती है तो फिर ये कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वहाँ से कीमत बढ़ रहा है तो कीमत यहाँ से भी बढ़ेगा ही, ठीक। अब बात करते हैं कि अगर GST में लाया जाए पेट्रोल डीजल इन सबको तो इसका फायदा क्या होगा। आप जानते हैं कि GST क्या है। GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ऐसा टैक्स जो आपसे लिया तो जाता है लेकिन आपको पता नहीं चलता है, यानी कि भाइयों बहनों बोल के कब आपकी माँ बहन हो गई आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। किस तरीके से घुमा करके आपका कान पकड़ लिया गया आप ये बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, ऐसे टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको पता न चले कोई घुमा के आपका कान पकड़ ले, क्योंकि पेट्रोल में पैसा ऐड करके आप देते हैं, 80 रुपये का ले रहे थे आप 85 का ले रहे हैं, फिर 93 का लेंगे, तो आपको थोड़ी पता है कि सरकार ने कितना टैक्स ले लिया। आपको तो ये पता है कि फलाने पेट्रोल पंप पे हमको 80 रुपये देना पड़ा, ठीक ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा ही टैक्स होता है जिसमें आपके जेब से जा रहा है लेकिन आपको पता नहीं चलता है। डायरेक्ट टैक्स में आपको पता चलता है, जैसे इनकम टैक्स आपसे लिया गया तो आपके खाते से सीधे काट लिया जाता है, तो आपको पता चलता है, मैसेज आता है मोबाइल का कि आपका इतना पैसा कट गया, ठीक है। और आजकल के ज़माने में तो जो है बहुत सारे लोग लगे रहते हैं पैसा काटने के चक्कर में, तो वो तो अलग मामला है। अगर GST के अंदर डीजल एवं पेट्रोल को लाया गया तो उसका फायदा क्या होगा, आइए ये समझते हैं। आप देख सकते हैं कि यह GST की स्लैब 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, यानी कि जो मैक्सिमम स्लैब है वो कितना है, 28% है, और मिनिमम तो जीरो है ही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सरकार टैक्स नहीं लगाती है, जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर सरकार टैक्स नहीं लगाती है। अधिकतम टैक्स कितना है, 28%। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने बताया कि 37 से 38 रुपये लग जाता है, यानी कि अगर 100 रुपये तेल की कीमत है तो टैक्स के कारण 138 रुपये हो जाती है, यानी कि कितना ज़्यादा टैक्स है। अगर यही टैक्स GST के अंतर्गत ले आया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 28% हो जाएगा, यानी कि जो इसका हाईएस्ट स्लेब अगर लगा दिया जाए, सबसे ज़्यादा जो स्लेब होता है, तो तेल की कीमत कितनी घट जाएगी, लगभग 10 रुपये के आसपास या 20 रुपये के आसपास सीधे सीधे रिड्यूस हो सकती है जब हाइएस्ट स्लेब में लाया जाएगा तब, ठीक है। और अगर कहीं इस बीच में स्लेब में ले आया गया तो वो 30% के आसपास, 30% यानी कि 30 रुपये के आसपास भी कर सकती है, तो इतना बड़ा फायदा हो सकता है। अच्छा, रही समस्या ये कि सरकार इसको लागू क्यों नहीं कर रही है। मोदी जी के नाम पर इतने सारे पोस्टर बनने बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, उनके पुराने ट्वीट वायरल किए जा रहे हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है कि सरकार उसको कम नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कह रही है कि जो है हम GST में इसको लाएंगे, उसी के पास तो सब कुछ है। मोदी जी करते हैं बड़े बड़े फैसले लेते हैं, ले लीजिए एक बड़ा फैसला GST के दायरे में ले आइए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन ये है कि जो राज्य सरकारें हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। वो राज्य सरकार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा चलाई जा रही हो, लेकिन वो एज ए गवर्नमेंट विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि बैट जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है जिससे राज्य सरकारों का आमदनी होता है, उनको पैसा मिलता है। तो अगर पेट्रोल को बैट से बाहर किया गया तो उनका आय घट सकता है, ये डर है उनको।
ठीक है, और डेफिनेटली घटेगा ही, क्योंकि अगर वो 37 रुपये एक जगह ले रहे हैं और उनको अब 28 रुपये ही मिलेगा तो 10 रुपये सीधे जो है एक लीटर में कम हो गया, तो वो विरोध करेंगे। अब इसमें सरकार को करना ये है कि जिस तरीके से GST लागू करने के समय उन्होंने स्टेट को कन्विंस किया था, उसी प्रकार बैठ करके कन्विंस करना होगा, क्योंकि अगर GST के दायरे में नहीं आएगा तो गरीब आदमी जाएगा कहाँ, ठीक है, अमीर लोग हैं वो तो किसी तरीके से अपना चला लेंगे, लेकिन गरीब आदमी की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि उसे अगर यात्रा करना है तो बस का किराया बढ़ जाएगा, अगर अपनी गाड़ी से चलेगा तो पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। याद रखिएगा शनिवार को आपका टेस्ट भी है जिसे आपको देना है, पूरे दिन में किसी भी समय पर आपका टेस्ट हो सकता है, तो इसलिए आप वेबसाइट विजिट करते रहेंगे, वेबसाइट है thenewsocean.in। थैंक यू। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। UPSC के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें TV पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।